क्यों ना कि एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल है मोहम्मद सोहेल भाई का, भाई सलमान खान इटली मूवी अपडेट। तो अभी कुछ समय पहले ये अपडेट निकल कर आई थी कि जवान के बाद डायरेक्टर इटली कुमार सलमान खान के साथ एक फिल्म करने वाले हैं, जो कि एक बड़ी एक्शन इंटरटेनर फिल्म होगी जिसे एक बड़े बजट में शूट किया जाएगा। और वहीं इस फिल्म में हमें सलमान खान के साथ साउथ का एक बड़ा सुपरस्टार देखने को मिलेगा, जिसके लिए मेकर्स कमल हसन का नाम कंसीडर कर रहे हैं। और वहीं इस फिल्म को साउथ की जानी मानी प्रोडक्शन कंपनी सन पिक्चर्स प्रोड्यूस करने वाली है। तो अब इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि इटली कुमार अभी इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं और ज्यादा चांसेस है कि मेकर्स इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट सलमान खान के जन्मदिन पर यानी 27 दिसंबर को कर सकते हैं। और जैसे इस फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट आती है तो हम आपको अपने फिल्मी टॉक की वीडियो में बता देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिल्मों से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि फिल्मों से जुड़ी डेली अपडेट आपको मिलती रहे। एसके तलहा का सवाल है कि क्या वॉर 2 15 अगस्त 2025 को रिलीज होगी? नहीं, वॉर 2 15 अगस्त को नहीं बल्कि 14 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है। और जिस प्रकार से स्पाई यूनिवर्स के मेकर्स वॉर 2 की शूटिंग को लगातार कर रहे हैं तो नहीं लगता कि मेकर्स इस फिल्म को पोस्टपोन करेंगे और ये फिल्म अपने निर्धारित रिलीज डेट यानी 14 अगस्त 2025 को ही सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। सुनील मालवीय का सवाल है कि भाई प्रियदर्शन की वो मूवी जिसमें सैफ अली खान और बॉबी देओल लीड रोल में हैं, जो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसकी शूटिंग अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाली थी, इसके बारे में कोई अपडेट? तो अभी लेटेस्ट में इस फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट नहीं आई है। पर बात करें इसके पिछली अपडेट की तो कहा जा रहा है कि डायरेक्टर प्रियदर्शन इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2024 तक कम्प्लीट कर लेंगे और ये फिल्म हमें समर 2025 में देखने को मिलेगी। आपको बता दें सैफ अली खान की अनटाइटल फिल्म जिसमें सैफ अली खान एक अंधे आदमी का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं दर्शन के डायरेक्शन में बनी मलयालम फिल्म ओपम की ऑफिशियल रिमेक है, जिसमें डायरेक्टर ने कई सारे चेंजेस किए हैं और ये फिल्म हमें समर 2025 में ही देखने को मिलेगी। रहमत अली का सवाल है कि विजय थलापति मूवी सरकार हिंदी अपडेट। तो 2018 में थलापति विजय की फिल्म सरकार एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे डायरेक्टर एआर मुर्गादास ने डायरेक्ट किया था और थलापति विजय की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 290 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। तो अभी तक इसके हिंदी डब को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है और कहा जा रहा है कि इसका हिंदी डब हमें ईद 2025 से पहले देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एआर मुर्गादास इस फिल्म का हिंदी रिमेक बना रहे हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर सरकार की ऑफिशियल रिमेक है, जिसमें हमें सलमान खान थलापति विजय के कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे और इस फिल्म को एआर मुर्गादास ही डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमें ईद 2025 में देखने को मिलेगी। तो देखना होगा कि क्या सच में सलमान खान की फिल्म सिकंदर सरकार का रिमेक होती है या मेकर्स किसी नई स्टोरी पर काम कर रहे हैं। और अगर ये फिल्म सरकार का रिमेक होती है तो सरकार का हिंदी डब वर्जन हमें 2026 में देखने को मिलेगा। मोहम्मद सिद्दीकी का सवाल है कि कार्तिक आर्यन मूवीज आफ्टर भूल भुलैया 3। तो भूल भुलैया 3 के बाद हमें कार्तिक आर्यन तीन बड़े प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे, जहां सबसे पहले डायरेक्टर अनुराग बासु की अनटाइटल फिल्म, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होगी जिसमें हमें कार्तिक आर्यन तृप्ति ढिमरी के साथ देखने को मिलेंगे। फिर आता है करण जौहर का अनटाइटल प्रोजेक्ट जिसे डायरेक्टर संदीप केलवानी डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म हमें अगस्त 2025 तक देखने को मिलेगी और इसके बाद कार्तिक आर्यन पति पत्नी और वो के सीक्वल के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें 2026 तक देखने को मिलेगी। रहान खान का सवाल है कि वेटन ट्रेलर, क्रिस 4 अपडेट, बगीरा मूवी ट्रेलर, पुष्पा 2 ट्रेलर और धूम 4। तो रजनीकांत की फिल्म वेटन का ट्रेलर हमें आने वाले 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगा और ये फिल्म हमें 10 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें क्रिस 4 की, इस फिल्म से जुड़ी कोई भी अपडेट नहीं है, पर ये कन्फर्म है कि ये फिल्म जरूर बनेगी, जो हमें दुनिया खत्म होने से पहले ही देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें बगीरा के ट्रेलर की, तो बगीरा का ट्रेलर हमें अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में देखने को मिलेगा और ये फिल्म 31 अक्टूबर को पैन इंडिया रिलीज होगी। अब बात करें पुष्पा 2 के ट्रेलर की, तो जैसा कि पता है पुष्पा 2 हमें 6 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। तो ज्यादा चांसेस है कि मेकर्स इसके ट्रेलर को नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में रिलीज करें। तो जैसे ही पुष्पा 2 के ट्रेलर को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको अपने फिल्मी टॉक की वीडियो में बता देंगे। जेठालाल लवर का सवाल है कि पुष्पा 2 या छावा कौन सी मूवी ज्यादा कलेक्शन करेगी? तो इसमें तो आपको कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 का कलेक्शन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो ये पैन इंडिया फिल्म है, ऊपर से एक सिक्वल फिल्म होने वाली है जिसका ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है। पर विक्की कौशल की छावा इस फिल्म के कलेक्शन की रफ्तार को कम कर सकती है, क्योंकि छावा का टीजर दिखने में काफी दमदार है, जिसमें विक्की कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर में जच रहे हैं। अमन ठाकुर ने कई सारे सवाल पूछे हैं, जिसमें से हम उनके दो ही सवाल लेंगे। तो इनका पहला सवाल है कि अपरिचित हिंदी रिमेक कब आएगा? तो अप्रैल 2021 में शंकर ने अनाउंस किया था कि वो रणवीर सिंह के साथ मिलकर अपरिचित के रिमेक के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, जिसे जयंती लाल गड़ा प्रोड्यूस करेंगे। पर अपरिचित के ओरिजिनल प्रोड्यूस
प्रोड्यूसर जिन्होंने इसके तमिल वर्जन को प्रोड्यूस किया था, उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि मेकर्स ने उनके बिना परमिशन के इस फिल्म के रिमेक के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है, जिसके कारण मेकर्स ने अपनी इस फिल्म को बंद कर दिया। और अभी लेटेस्ट में शंकर ने बताया कि अपरिचित के हिंदी रिमेक को होल्ड पर रख दिया गया है। तो अभी के लिए अपरिचित के हिंदी रिमेक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, पर अगर फ्यूचर में इस फिल्म को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको अपने फिल्मी टॉक के वीडियो में बता देंगे। और इनका दूसरा सवाल है कि धूम 4 में ओरिजिनल कास्ट होगी या नई कास्ट। तो मेकर्स ने धूम 4 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें हमें रणवीर कपूर चोर बनते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ मेकर्स ने यह भी कंफर्म किया है कि धूम 4 को रिबूट किया जाएगा, जिसमें भी हमें दो पुलिस वाले कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। पर इस बार अभिषेक और उदय नहीं बल्कि मेकर्स दो नए एक्टर को कास्ट करने वाले हैं। और वहीं मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग 2025 के एंड से स्टार्ट करेंगे और ये फिल्म हमें 2026 तक देखने को मिलेगी। काका रोड गेमिंग का सवाल है कि द लीजेंड ऑफ मौला जट इंडिया में कब रिलीज होगी और इसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है। तो आपको बता दें, इस फिल्म को इंडिया में 2 अक्टूबर 2024 को रिलीज होने वाली थी, पर पॉलिटिकल मतभेदों के चलते मेकर्स को इसके इंडिया रिलीज प्लान को कैंसिल करना पड़ा। तब ये फिल्म हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का मानना है कि पाकिस्तानी फिल्मों को यहां पर रिलीज नहीं करना चाहिए। और वहीं बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो द लीजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तानी फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पाकिस्तानी करेंसी में 401 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। मैदान जट सिर झुका के माफी मंगना लेती नहीं, सिर उठा के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।